दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SBI ई मुद्रा लोन स्कीम के विषय में, जिसके तहत आप घर बैठे ई मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 1 लाख तक का बिना कोई गारंटी के लोन मिलता है। अगर आप ये रकम कम करते हैं, 50,000 रुपये इस रकम को रखते हैं, तो आपको बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और यदि आप 50,000 से 1 लाख तक के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक बार बैंक जाना ज़रूरी होता है और वही रकम अब इसे मुद्रा लोन को SBI ई मुद्रा लोन जिसको बोलते हैं, घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की भी आपको आवश्यकता नहीं है, महज जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अब आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड, यदि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, जैसे कोई आप ठेली लगाते हैं या सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उसका ई मुद्रा लोन स्कीम के तहत अगर रजिस्टर्ड है तो ई मुद्रा सॉरी अगर वो उद्योग आधार में रजिस्टर है तो आप उसका कॉपी भी लगा सकते हैं। और आपने आप बिजनेस को जहाँ पर भी करते हैं, अगर आप दुकान में करते हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है, क्योंकि अगर अपनी खुद की अगर आपकी दुकान है तो आपको एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर पाएंगे, मैं और डिटेल के बारे में बता देता हूँ। ये 5 साल के लिए दोस्तों लोन मिलता है और 5 साल में आपको इस लोन को भरना होता है वापस। तो पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। बने स्टूडेंट लगातार मैं हूँ पवन छागल और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो SBI ई मुद्रा आप किसी ब्राउजर पर आए, बस SBI ई मुद्रा लोन डालेंगे तो देखिए ऐसे ई मुद्रा .sbi.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आएगी। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने SBI ई मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन के लिए फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं टर्म्स एंड कंडीशन का एक ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे तो SBI ई मुद्रा लोन की टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज ओपन होकर आएगा, जहां पर आपको बताया गया है कि इस में क्या क्या आपको चीज़ें लगने वाली हैं, जैसे कि देखिए पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स, टाइप ऑफ लोन टर्म्स लोन है, सिक्योरिटी की बात करें प्राइमरी, चार्ज ऑन द स्टॉक एंड द रिसीवेबल्स और कोलेट्रल्स नील टू बी कवर्ड अंडर CGFMU। समझ रहे हैं, आपका जो यहाँ पर कोलेट्रल का इसमें नील है और इसमें आपको स्टॉक एंड द रिसीवेबल चार्ज लगेगा। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर नील है और आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। पीरियड ऑफ लोन मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए आपको लोन मिलता है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन की क्या आवश्यकता होगी, एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन बाई ईच एंड यूजिंग आधार बेस्ड OTP। यहाँ पर सिर्फ आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होती है जिसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, आपको OTP के माध्यम से यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा और आपको बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। रीपेमेंट आपको वापस कब करना है, देखिएगा रीपेमेंट टेन्योर मैक्सिमम 5 ईयर्स इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ द 3 मंथ। इंटरेस्ट कंपोनेंट अप्लाइड ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम्स विल बी कैपिटलाइज्ड एंड EMI विल बी फिक्स्ड ऑन द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैपिटल्स। तो ये तो 5 साल में आपको भरना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 9.50% पर एनम यहाँ पर आपको 1 साल में लगता है। और प्रोसेसिंग फी नेल है, अदर चार्जेज नेल है, TL2 रिवर्ड एनुअल, और भी आप डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये तो होगी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन की बात। अब आपको अप्लाई कैसे करना, मैं आपको वो बता देता हूँ, आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि आपको SBI के लिए कैसे अप्लाई करना है। एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपके पास SBI में ही 6 महीना पुराना कोई सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है। SBI बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए 6 महीने पुराना, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो इस पेज पर जैसे आप आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आएंगे, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। ई मुद्रा की व्यवस्थाएं, लघु उद्यमी होना चाहिए, SBI का कम से कम 6 माह पुराना चालू या बचत खाता होना चाहिए, अधिकतम ऋण पात्रता राशि 1 लाख है, अधिकतम ऋण अवधि 5 वर्ष है, बैंक के पात्रता मापदंडों के अनुसार ₹50,000 तक ऋण की तुरंत उपलब्धता है। 50,000 अगर आप ऋण ले लेते हैं तो तुरंत आपको बैंक देता है। ₹50,000 से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिकताएं पूरी करने ग्राहक को शाखा में आना पड़ता है एक बार, या आप डिटेल और भी पढ़ सकते हैं, क्रमवार प्रक्रिया ये देख सकते हैं। बस आपको ओके करना टर्म्स कंडीशन और आपका फॉर्म जो है वो, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, SBI का जो भी आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। रिक्वायर्ड लोन आप 1 लाख 1,000 से लेकर 1 लाख तक यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ऐसा डिटेल, यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछेगा आर यू रेडी टू शेयर आधार डिटेल, तो आपको यस करना है।
आई एग्री। अब आपको यहाँ पर 12 डिजिट का आधार कार्ड डालना होगा, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर आपको, तो जैसे ओटीपी आप डालते हैं आपको वेरीफाई करना है। अब आपको अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी SBI में है वो एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आप 1,000 से 1,00,000 के बीच में जो भी लोन लेना चाहें वो ले सकते हैं, और अगर आप 50,000 से कम लोन लेते हैं तो आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, लोन के अमाउंट डालें और आपको अब आगे प्रोसीड करना। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, पैन अगर आपका आधार से लिंक होगा ऑटोमेटिक पैन कार्ड ले लेगा। अकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, लिटरेसी, कैन साइन, इलिटरेट हैं जो भी हो आप, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हाउस ओनरशिप, आप सेल्फ का घर है या पर्सनल है या रेंटल है, कैसा है। मंथली इनकम आपकी कितना, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका इनकम डालना है। नंबर आप डिपेंडेंट नंबर मेंबर्स इन द फैमिली, अगर आपके घर में कितने लोग आपके ऊपर आश्रित हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं। कम्युनिटी डिटेल में डालना है, सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, हिंदू है, क्या है। आप यहाँ देखिए बहुत सारे हिंदू, जनरल, हिंदू, मिनोरिटी कम्युनिटी में आप यस या नो भर सकते हैं, इसका प्रोसीड करना है। अब आपको अपनी बिजनेस की डिटेल भरनी, बिजनेस के नेम आपका जिस जैसे जो भी आपका बिजनेस का नाम आपने रखा हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट डेट आपको डेट डालनी है, बिजनेस आपने कब से स्टार्ट किया वो आपको यहाँ पर। एक्सपीरियंस डालना, आप ये बिजनेस कितने साल से कर रहे हैं वो भरने के बाद आपको नीचे आना है। बिजनेस एड्रेसेस आपको डालने हैं, पिन कोड, एड्रेस जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो। टाइप ऑफ बिजनेस आपका, बिजनेस किस टाइप का, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है। डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी, जैसे आप सर्विस में डील करते हैं, आपका फल की दुकान है तो आप डाल सकते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप, या आपका कोई ई प्रिंटिंग का बिजनेस, आप CC चलाते हैं तो आप डाल सकते हैं, कैफ़े वगैरह। तो 150 करेक्टर्स में आपको ये डिफाइन करना है। इसके बाद ऑन या रेंटल बिजनेस प्रमाइसन, आपका जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वो आप खुद का है या रेंट पे लिए हैं वो आपको एंटर करना है। रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर आपने इस बिजनेस को जैसे GST आपके पास अगर है, SE है, ग्राम पंचायत से रजिस्टर्ड है, उद्योग आधार है, म्यूनसिपल लाइसेंस है, अगर है तो यस करें, और उसका आपको नंबर फिर डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दें। बिजनेस सेल्स अकाउंट, मंथली एवरेज सेल्स ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ, आप जो बिजनेस करते हैं उससे 12 महीने में, पिछले 12 महीने में आपकी कितनी कमाई हुई है वो एवरेज 1 महीने का डालना है। जैसे अगर 12 महीने में 1,20,000 कमाया आपने टोटल, यहाँ पर सेल्स की बात कर रहा ना कि अर्निंग की, प्रॉफिट की बात नहीं करना, यहाँ बात कर रहा है पूरी सेल्स कितनी है। सपोज दैट आपने 12 पिछले 12 महीने में 1,20,000 की है, तो 1 महीने का आपका 10,000 रुपये बन गया, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एनुअल सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस SBI अकाउंट, जो आप एनुअली सेल्स कर रहे हैं उसका आपने अपने SBI अकाउंट में कितना सबमिट किया है वो आपको डाल देना है। बिजनेस अकाउंट नंबर आपका ऑलरेडी पहले फेच कर लेगा, इसके बाद बैंक का नेम भी ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, ब्रांच का नेम फेच कर लेगा, और ब्रांच का एड्रेस भी यहाँ से फेच कर लेता है। अब सारी डिटेल भरने के बाद फाइनल आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये ई मुद्रा, SBI ई मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे फिल करना होता है, ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। और अगर आप 50,000 तक लोन दोस्तों लेते हैं तो आप इंस्टेंट आपका वेरीफाई करने के बाद अप्रूव कर दिया जाता है, और आप अकाउंट से आपका पैसा जो होता है आपके अकाउंट में दे दिया जाता है, आप उसको वहाँ से निकाल कर उसे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1,00,000 तक का लोन लेते हैं, 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का, तो आपको एक बार बैंक में साइन करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए बैंक विजिट करना पड़ता है। और दोस्तों ये अकाउंट, ये अगर हम बात करें ये लोन मिलेगा कहाँ से, तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक से आपका लोन पास किया जाएगा, और ये पूरा डिटेल जो था आप ऐसा ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका है, आप छोटा मोटा जो फंड जुटाना चाहते हैं जिससे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से घर बैठे अप्लाई करके इस तरीके से आप SBI ई मुद्रा लोन के तहत लोन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी रह गया तो हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हेल्प नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।